नमस्कार। जन सरोकार मंच द्वारा प्रसारित की जा रही लगातार श्रृंखलाओं में आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं, वो है रंगमंच। और हमारे बीच, सौभाग्य से हमारे बीच हैं राजकुमार रजक साहब। आपने शांति निकेतन से अपनी शिक्षा प्राप्त करी इस क्षेत्र में और ना जाने कितने अनुभव समेटे हैं अपने आप में। इसी वार्ता में हमारे साथ डॉक्टर साहब मनु शर्मा जी हैं। नमस्कार। तो हम सब मिलकर इस विषय पर केंद्रित रहना चाहते हैं कि ये रंगमंच की जो भूमिका है, बहुत सशक्त भूमिका तो है, लेकिन ऐसा पुरोधा व्यक्ति आज की समसामायिक स्थितियों में इस रंगमंच को लेकर क्या सोचता है। राजकुमार साहब, आप स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। कुछ कहिए। रंगमंच का निश्चय ही बाहर जगत में, बाहर समाज में कितनी लंबी यात्रा रही है। खैर, वो बातचीत के दरमियान उसके कुछ झलकियाँ संभवतः मिलेंगी। जी जी। पर रंगमंच ने जितना बाहर विस्तारित किया है, उससे कहीं ज़्यादा उसने मुझे मेरे भीतर विस्तारित किया है। भीतर विस्तारित करने का अभिप्राय मेरा इस तरह से बनता है कि जो संवेदनशीलता है एक जीवन को लेकर, एक इंसान को लेकर, और इंसान के द्वारा रचित ये जो पूरा सोसाइटी है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, तो इसमें जो विषमताएं हैं उनके प्रति संवेदनशीलताओं को उसने, उसकी पराकाष्ठा को बहुत ही मजबूत किया है। उनको सोचने समझने का एक खासा अवसर मुहैया कराया है उसने। खैर, रंगमंच में आने का जो सबसे बड़ा मलाल मेरे पिताजी को रहा है कि अमूमन हम लोग जिस तरह के परिवार से आते हैं, रोज कमाना, रोज खाना, तो एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार के पिता की आकांक्षा होती ही है स्वाभाविक कि वो मेरा बच्चा या बच्ची जो है वो जो नौकरशाही में जाए और एक चुनिंदा और खास किसी पद पर जाए और एक सम्मान ग्रहण करे, अर्जित करे। तो निश्चय ही इस तरह के पूरे जो पारिवारिक दांव पेंच बोलना ज्यादा उचित होगा मेरे और परिवार के अपने सपने। तो परिवार का ये पक्ष रहा ही है, और खासकर रंगमंच में जो आंतरिक में विस्तार की बात कर रहा था, तो वो इन दो चार बातों के आसपास जो है इस तरह का विस्तार की एक बड़ी लंबी प्रक्रिया रही है, जिसने एक नजरिया उसने बनाया कि कोई एक नजरिया अंतिम नजरिया नहीं है। कम से कम नहीं, बहुत सही सच्ची बात कही आपने। सीखना खत्म होता नहीं, तो नजरिया भी चुकेगा नहीं, कहीं स्टॉप नहीं। लेकिन आपके जीवन की बड़ी लंबी यात्रा रही है, तो सीधा प्रश्न ये उठता है कि पारसी थिएटर से बात आगे चलते हैं हिंदुस्तान में, और चाहे हबीब तनवर साहब हों, चाहे सफदर हाशमी हों, या अलका जी हों, या और पिछले 30-40-50 दशक को लेकर चले, तो इनकी जो भूमिका रही है उस भूमिका पर आप कुछ कहेंगे कि वो उनके जो उनकी स्क्रिप्ट जो थी, उनके जो विषय वस्तु थी, वो ज्यादा हिंदुस्तान के आदमी से जुड़ी हुई थी या वो भी आयातित थी? दिलचस्प सवाल है, और मुझे लगता है इस दिलचस्प सवाल पर बात करने के लिए
जो नाम आपने कहे हैं, मैं उन्हीं नाम को ही जरा पकड़ के बात आगे रखना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि हबीब साहब, अलकाजी साहब, सफदर जी, अगर हम इन तीनों को देखते हैं तो तीन बहुत ही अलग प्रकार के स्तंभ हैं। ठीक बात, ठीक। भारतीय रंगमंच के परिप्रेक्ष्य में देखें तो तीनों बिल्कुल ही अलहदा है, एक दूसरे तीनों जो है ना तीन तरह की परंपराएं जुड़े हुए हैं। और मजेदार बात है कि जो पूरे रंगमंच का एकेडमिया है, रंगमंच का जो इंस्टीट्यूशन है, उसको राष्ट्रीय स्तर पे उसकी नींव और उसकी बुनियाद रखने वाले निश्चय हम सब जानते हैं अलकाजी साहब हैं, जिन्होंने एक रंगमंच का एक इंस्टीट्यूशन जो है स्थापित किया है। और भी तमाम नाम हैं अलकाजी के इस सपने के साथ जिन्होंने उसको पूरा किया, उर्वरक के रूप में भूमिका निभाई है अलकाजी के इस इंस्टीट्यूशनल ख्वाब के पीछे। ठीक है, हबीब साहब को देखते हैं तो बड़ा मज़ेदार, बहुत कम ही उनके साथ इत्तेफाक करने का मौका मिला है, पर जितनी प्रत्यक्ष इत्तेफाकियां रही हैं और जितना हम लोग पढ़ लिख के जान समझ पाए हैं उनके रंग कर्म को, और निश्चय वो हम लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हमेशा बना रहेगा। तो मज़ेदार है कि एक शख्स जो इंग्लैंड जाता है, ब्रिटेन जाता है और फिर वहाँ से वो भारत लौटता है, या यूं कहें कि वहाँ की रंगमंच की पढ़ाइयों को, वहाँ के रंगमंच पूरा वेस्टर्न जो थिएटर का डिस्कोर्स है वो वहाँ से रिवर्स बैक करता है और घर वापसी के गीत गाता है, जहाँ जो उनका लोकल है वो उसको ग्लोबल करता है। हबीब साहब की जो खासियत है, एक नक्षत्र की तरह की लोकल लोकल जो ट्रेजर है, लोकल जो नॉलेज है, लोकल जो कल्चरल सांस्कृतिक ज्ञान, मैं कहूँगा जरा ज्यादा बेहतर होगा मेरे संप्रेषण के लिए कि जो स्थानीय सांस्कृतिक ज्ञान है उसको उन्होंने अपना धरोहर बनाया, उसको उन्होंने अपनी पूंजी बनाई। इसके साथ ही साथ जो पूरा पाश्चात्य, जो पूरा वेस्टर्न स्कूल है एक्टर प्रिपरेशन का, ठीक है, उसको भी उन्होंने उसको उसके साथ में नथी किया। और आप देखिए कि उनके जो अभिनेता हैं, खेतिहर किसान और ग्रामीण मजदूर, वो वहां पर एक ऐसे स्कूल दिखते हैं जिनकी 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 अपनी कोई जो है एक ट्रेनिंग नहीं थी रंगमंच की, उस तरह से ट्रेनिंग नहीं थी ऐसे लोगों को। और ये काम खुद राजकुमार जी भी कर रहे हैं हमारे टोंक के हमारे यहाँ टोंक के अंदर। आप देखिए कि यहाँ जिन लोगों के बीच में राजकुमार जी काम कर रहे हैं जी, उनकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है सत्यराज जी। हाँ बिल्कुल, नए बच्चों की कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। और नए टोंक के अंदर उस तरह का जो है हमें रंगमंचीय माहौल दिखाई पड़ता था आज से पहले जी। लेकिन राजकुमार जी के आने के बाद में मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि मैं ये जानना चाहता था कि आपका जो सारा का आपकी जो शिक्षा है वो तो सारी इलाहाबाद से रही, उसके बाद फिर आप शांति निकेतन में गए, प्रारंभिक शिक्षा के बाद आप उच्च अध्ययन के लिए शांति निकेतन में गए और वहाँ आपने थिएटर का जो है वो विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त किया। आप जो है वो थिएटर से जुड़ कर के किस तरह का अपने अंदर जो है वो परिवर्तन अनुभव करते हैं, और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि यहाँ टोंक के अंदर जिन बच्चों के साथ में आप काम कर रहे हैं उनके साथ थिएटर करते हुए आपके क्या अनुभव रहे? तो देखिए, एक काफ़ी दिलचस्प के साथ ही साथ काफ़ी ये मतलब बहुत ही प्रभावी जिज्ञासा है। इसको अगर हम इस तरह से रखने का मैं प्रयास करूं कि मैं भी जब इलाहाबाद से निकला था रंगमंच के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, तो जैसे होता है कि भाई आदमी जितना
जिस दिशा में यात्रा करता है, बहुत सारी चीजें उसके तिलिस्म टूटते चले जाते हैं, ठीक है, और कुछ चीजें उजागर दृश्य जो है वो आने लगते हैं। हो सकता है कई मायनों में कि वो उजागर दृश्य भी अपने आप में कोई तिलिस्म है। तो मैं बहुत ही स्पष्टता के साथ कहूंगा कि इलाहाबाद में सोचा था कि मैं एक अभिनेता के तौर पे जाना जाऊंगा, और खासकर सिनेमा में एक अभिनेता के तौर पे हो सकता है कि इलाहाबाद का एक दूसरा अमिताभ बच्चन के तौर पे मुझे जाना जाए कि एक अभिनेता, और मैं रहा बैक बेंचर ही रहा हूँ अपने क्लास में। तो जो बहुत बड़ा परिवर्तन है, तो वो ऐसा नहीं है कि ये सपना कहीं डिमोलिश हो गया है। ये कहा जा सकता है कि इस सपने के ऊपर बहुत सारे वैचारिक बिंदु और बहुत सारे सपने आ गए ऑलरेडी। तो उनसे क्या हुआ कि ये सपना जरा सा कहीं खूंटी पे टंगा हुआ है, पर ये खत्म नहीं हुआ है। है ये सपना, वो सपना जिंदा है अभी। हाँ, जिंदा है, पर हाँ उसके बरक्स बहुत अलग अलग सपनों ने मुझे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। अब वो सपनों में सबसे बड़ा हिस्सा ये है, सबसे बड़ा हिस्सा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को जैसे ही मैंने जानना शुरू किया, तो खैर वो एक साहित्य का कलाओं का एक बड़ा संगम तो है ही है, पर उनका जो शांति निकेतन के पीछे की जो पूरी प्रक्रिया रही है, उसकी स्थापना की प्रक्रिया जी, उसने मुझे काफी प्रभावित किया। और इस प्रभाव ने क्या किया कि मुझे इस तरह की खोज में संलिप्त कर दिया कि पूरी दुनिया में ऐसे कौन कौन से लोग हैं, ऐसे कौन कौन सा ऐसा कौन कौन सा समय रहा है जहाँ पर लोगों ने अपने विचार के अनुसार किसी प्रकार का आश्रम बनाने की का प्रयास किया हो, कहीं पर उन्होंने कुछ विद्यालय बनाने का प्रयास किया हो, कहीं पर उन्होंने कुछ आश्रम और विद्यालय दोनों कुछ इस तरह का कुछ मॉडल बनाने का प्रयास किया। तो ऐसे तमाम प्रकार के मॉडल्स को मैंने खोजने का प्रयत्न किया, तो उसमें एक आइडिया लगा कि वी शुड गो बैक कि रूपाली जो पूरा ड्रीम है एक सिनेमा का, वो तो खैर है, वो कर लेंगे जब करना होगा या जब होना होगा तो हो जाएगा, पर इससे बड़ा जो है कि हमें गो बैक फॉर द कम्युनिटी, कि हमें समुदाय में कुछ खड़ा करना है। सही। और वो जो कुछ खड़ा करना है वो एक इंस्टीट्यूशन के सपने के रूप में वो इमर्ज होता चला गया, और मैं धीरे धीरे कलकत्ता में जहाँ जहाँ जिन जिन के साथ काम किया उसके साथ ये सपना जो है जवान होता चला गया। ये मान करके चले कि इसके पीछे ये जो आपका सोच है ये ही प्रभावी रहा। ये एक बड़ा पहलू रहा है उसका, ये एक बोले तो ये उसके कोर में रहा है कि समुदाय में काम होना जरूरी है। और मैं एक बहुत ही मैं इसको विकट शब्द से संप्रेषित करूंगा कि बहुत ही विकट ख्याल चलता है, अब वो सुरलिस्ट ख्याल भी हो सकता है, पर इस तरह के कि महानगरों में बड़े बड़े नाट्य महोत्सव होते हैं और एक बात घूमती रहती है कि ये नाटक देखने के लिए कुछ खास दर्शक चाहिए, तो दर्शकों का और नाटकों के बीच में जो संबंध है, देखने की जो साक्षरता है कि देखना क्या है और उस देखने में मेरी दृष्टि क्या है, तो मुझे लगता है जिसको मैं विकट कह रहा हूं कि क्यों ना देश के दूर दराज कोनों में बड़े बड़े महोत्सव हों, बहुत अच्छी बात, और वहां के लोगों को जो देखना है वहां के लोग डिस्कोर्स में आए। मैं ये नहीं कहता हूं कि एक गांव में जाके हम शूद्रक के बारे में बात करें, पर हम इस बारे में जरूर बात करें कि शूद्रक ने लिखा क्या है और किस समय लिखा है और क्या लिखा है, और जो है वो अपने जमाने का कितना जो है एक्सपेरिमेंटल नाटक है। और शायद इस वजह से ही
इस तरह से ही कि जो जो स्थानीय कम्युनिटी है उनके पास जो अपने एजेंडे हैं, उनके पास जो अपनी कथानक है, वो शायद रंगमंच के रंग शीर्ष पर आना आरंभ हो। सूत्र के हवाले से ही मैं एक बात जो है वो आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि सूद्रक ने अपने ज़माने के अंदर जिस तरह से जो स्थापित नाट्य परंपराएं थी, उन स्थापित नाट्य परंपराओं को चुनौती दी। चुनौती इस अर्थ में कि आप देखिए उस नाटक के अंदर वो जो नायक की अवधारणा थी या वो कथानक को लेकर के और जिस तरह का एक स्थापित मानदंड था, उस मापदंड को उन्होंने तोड़ा। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि उस तरह के जो प्रयोग है वो उस तरह के प्रयोग नाट्य परंपरा के अंदर जो है वो प्रभावी साबित होते हैं, उनको कामयाबी मिलती है? और दूसरी बात ये है कि जैसे आप यहाँ पर रंगमंच के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि बंगाल का जो रंगमंच है उसमें और हिंदी क्षेत्र के रंगमंच के अंदर आप किस तरह का फर्क देखते हैं? बहुत बड़ा फर्क। किस तरह का फर्क देखते हैं? क्योंकि बंगाल के अंदर तो जो है वहाँ पर तो एक तरह से मैं कहूँगा कि वहाँ तो रंग चेतना है, लेकिन हिंदी क्षेत्र के अंदर उस तरह की रंग चेतना हमें देखने को नहीं मिलती। यहाँ तो यूँ मान लीजिए कि जो ऊसर है उसमें खेती करने के बराबर मामला है। तो उस स्थिति में बहुत सी चुनौतियाँ इस क्षेत्र के अंदर आपके सामने दरपेश हुई होंगी। उन चुनौतियों से आपने किस तरह से जो है वो सामना किया और कैसे आप जो है अपने आप को हिंदी क्षेत्र के अंदर रंगमंच करते हुए वो जो सपना है आपका कम्युनिटी थिएटर का, जो सपना है उस कम्युनिटी थिएटर के सपने को आप साकार कर पाएंगे? बड़ा फर्क है। मुझे जो लगता है कि आपने बहुत सही बात कही कि वहाँ पर जो रंग चेतना है वो इस तरह से है, मैंने भी देखे हैं जब कोलकाता में था, मैं बंगाल में था, कि लोग अपने ऑफिस के बाद से आके लाइन में लग के वो टिकट ले रहे हैं, नाटक देख रहे हैं, और केवल टिकट लेके नाटक ही नहीं देख रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं भी दर्ज करा रहे हैं, अपने विचार भी दर्ज करा रहे हैं, और बैठक बाजियां हैं उस नाटक को लेकर, छोटी छोटी नाटक बैठक बाजियां छोटे छोटे। तो ये इससे ये भी एक असल में मैं जो समुदाय वाली बात कह रहा था, तो ये सारे उसके पेडागोजी हैं जो मैंने सीखे हैं कि इस तरह से काम होने की जरूरत है। इस तरह से जब तक नाटक संवाद में नहीं आएगा, मंच के बाहर नहीं निकलेगा, जब तक वो बैठकबाजी का हिस्सा नहीं बनेगा। और बैठकबाजी का हिस्सा बनने का मतलब ही मुझे लगता है कि नाटक के कथानक से आदमी का और समुदाय का एक कथानक जुड़ना शुरू होता है। तो इस संदर्भ में देखेंगे कि बंगाल में जिस तरह से रंग चेतना है और बड़े बड़े आंदोलन वहाँ से शुरू हुए, इप्टा जैसा झंडा बरदार लोग वहाँ पे रहे, उत्पल दत्त साहब रहे वहाँ पर, तो हिंदी पट्टी में देखेंगे कि उस तरह से, वैसे इप्टा को हिंदी या बंगला थिएटर का तो नहीं कहा जा सकता, वो एक समग्र आंदोलन के रूप में देख सकते हैं। वो थिएटर के क्षेत्र का जो है अखिल भारतीय रहा है वो, पर उसका जो सफदर की जो लाइन उसमें दिखाई देती है हिंदी पट्टी में, और भी तमाम लोग फुटकर में काम कर रहे होते हैं, जैसे 1857 की क्रांति हुई थी फुटकर तो में आना और एक विमर्श बनना, इसका बड़ा अभाव दिखाई देता है, क्योंकि छोटे छोटे रंगबाजी बैठके नहीं हिंदी पट्टी में। लेकिन जैसे सफदर हाशमी का आपने जिक्र किया, तो सफदर हाशमी जो है वो
नुक्कड़ नाटक के हमारे यहाँ पर प्रणेता माने जाते हैं। तो वो जो नुक्कड़ नाटक की उनकी जो प्रयोग थे, वो प्रयोग क्या कम्युनिटी थिएटर की जो अवधारणा है उससे इतर या उसी का एक हिस्सा है। हाँ, उसी का एक हिस्सा कह सकते हैं, एक हिस्सा है। उसी का एक और ढांचा कह सकते हैं जी, उसी से निकलता हुआ एक और ढांचा कम्युनिटी थिएटर। पर एक और बात मैं रखना चाहूंगा कि जो सवाल आपने रखा था कि टोंक में जिस तरह से जी काम को लेके क्या आपके अनुभव रहे हैं, तो निश्चय ही एक टोंक में आने से पहले कई जिले हैं जहां पर इस तरह के काम हुए हैं। मैं उनको विफलता तो नहीं मानता, हाँ काम और समय के अनुसार कहीं अनुपात अलग रहे हैं। कहीं पर 10 वर्ष का वक्फा है, कहीं पर 2 वर्ष का वक्फा है। और तो इसमें जो लगता है कि टोंक में खास बात जो मुझे लगी जो काम को सपोर्ट करने के लिए, कि यहाँ पर एक ऑलरेडी एक धरातल मिला, कम से कम ऐसा धरातल मिला कि लोग एक बार आके बैठ सके। मतलब जीरो नहीं है, जीरो से यहाँ शुरू नहीं हुआ, कम से कम एक इस तरह का प्रांगण, इस तरह के लोग वो। ना कि बहुत अचानक सा नहीं लगा कि कोई जिन हाजिर हो गया। तो इसलिए जो शुरुआत थी उसमें लाइट स्मूथनेस भी रही है, एक स्मूथनेस भी रही है। तो इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है, तो जब मैं इस चैलेंज को देखता हूँ तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वही कि कार्मिकों का, उसमें रंगकर्मियों का, कि कौन रंगकर्म करे। और खासकर रंगकर्म का जब संदर्भ आता है तो पहली जो इमेज है वो युवाओं की उभर के आती है, ठीक बात ना? और युवाओं के ऊपर उभर कर आती है, फिर एक इमेज होती है कि भाई ठीक है स्वैच्छिक रूप से जो कामकाजी लोग हैं महिला पुरुष वो भी जुड़े, इस तरह का एक समूह दिखता है, कि युवाओं का समूह दिखता है, फिर बच्चों का खैर एक समूह दिखता ही रहता है। तो युवाओं का जो समूह है वो एक लंबा सस्टेन करने की कुव्वत रखता है, बिल्कुल ठीक। पर मुश्किल भी उसी के साथ है, क्योंकि वो सबकी निगरानी में है, वो घर वालों की निगरानी में है, वो स्कूल कॉलेज की निगरानी में है, वो पड़ोसी के निगरानी में है, उसका अपना कैरियरिज्म जो है उसकी वो खुद की निगरानी में असल में। और उस निगरानी के केंद्र में ये है कि समय तो जाया नहीं हो रहा है, बड़ी बात, बड़ा प्रश्न है। तो जब मैं ये एक बड़ी चुनौती दिखाई दी, खैर छुटमुट काफी चुनौतियां तो आती हैं, कुछ अलग प्रकार की सांस्कृतिक चुनौतियां तो हर जगह मौजूद रहती हैं, कि मेरा बच्चा नाच गाना कर रहा है ये क्या उठपटांग सी चीज है, तो खासतौर से मध्य वर्ग के जो लोग वहाँ होते हैं, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, बड़ा बड़ा है। हम लोग भी झेल चुके हैं कि ठीक है नाटक और रंगमंच तो कर रहे हो पर अल्टीमेटली क्या करने वाले हो, है ना? तो इस तरह की कुछ सांस्कृतिक छोटी मोटी चुनौतियां रही हैं, तो हम लोगों ने उससे मीट आउट किया है, उससे बातचीत की है। पर वो रंगकर्मियों का जो सस्टेनेबिलिटी है ये एक बड़ा सवाल है, वो यहाँ के लिए भी चुनौती है। और जब मैं इस चुनौती पर खड़ा होता हूँ तो मैं जरा विश्व को देखता हूँ, इस तरह की चुनौती से क्या हम टोंक में ही केवल जूझ रहे हैं या कहीं और, या दूसरे लोग भी, दूसरी जगह चुनौतियां हैं तो उन्होंने क्या उपाय खोजे, ठीक है, तरह तरह की चीजें तो दिखाई देता है कि ये तो बहुत यूनिवर्सल चुनौती है, युवाओं का रंगमंच में आना और रंगमंच में युवाओं का होना, और आज की स्थिति में, और आज काफी चुनौती है कि उसकी रोजी रोटी और बाजारी चकाचौंध जो है, बाजारू चकाचौंध उसको एक मोहित करती है, कि वो 5 घंटे रिहर्सल की जगह वो चाहता है कि कहीं मैं पार्ट टाइम जॉब करूं जिससे कुछ धन अर्निंग हो और वो कुछ करे, ठीक लगे। हाँ, ये कोई, मैं इसकी कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, ये स्थिति उसकी जरूरत है, ये एक स्थिति है, उसके ऊपर आर्थिक दबाव है। तो मैं यही कहूंगा मनु सर और अशोक सर की यहाँ से फिर एक जिम्मेदारी, एक बिंदु निकल के आता है
कि पूरे रंग कर्म को सतर्क होके इस पे सतर्कता से विमर्श करने की जरूरत है कि हम उन युवाओं के लिए क्या करें। हमें गुहार लगाने की जरूरत है या हमें मतलब कोई भी शैली हो सकती है, हमें गुहार लगाने की जरूरत है, हमें धरना देने की जरूरत है कि भाई रंगमंच और कलाओं और मतलब जो पूरी कलाएं हैं और जो पूरा रंगमंच है इनके कार्मिकों का क्या हो, वो कैसे इसमें योगदान दें। नहीं और जब तक उन्हें जो है ये नहीं लगेगा कि इस क्षेत्र के अंदर हमारा भविष्य सुरक्षित है तब तक वो उसकी तरफ आएंगे ही नहीं। जैसे उसमें वो उसको अपना करियर नहीं बनाना नहीं चाहते, वो केवल जो है वो उसकी हॉबी बन करके रह जाता है। और यहाँ पर एक बात, जब मैं गुहार लगाने या धरना जैसी मतलब कोई भी शैली हो सकती है, यू हैव टू नोटिस दिस पॉइंट दिस सिचुएशन। तो इसमें एक बात है कि संस्कृति मंत्रालय युवाओं को स्कॉलरशिप दे रही है, सही ना, और वो 20 से 40 वर्ष का 40 से 60 वर्ष या आगे के लोगों को देती है। पर अगर तीनों 18 से 25 वर्ष उम्र को अगर हम देखें तो लगभग 150-200 की स्कॉलरशिप है लोगों की। मैं अगर 25 से 40 वर्ष को देखूं तो वहाँ 200 लोगों की है, 40 वर्ष से ऊपर के लोगों को देखूं तो 200 की है, कुल मिला के 600 लोग हुए। अब 600 लोग में सभी रंगकर्मी नहीं है, अलग अलग कलाओं के डिसिप्लिन से आते हैं, तो हर कला के डिसिप्लिन में ही ये चुनौती है। इसलिए एक बड़ा हिस्सा है, बड़ी चिंता का विषय है और ये वैश्विक चिंता है। जब मैं देखता हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मतलब हिटलरियन टाइम में भी बर्टोल ब्रेस्ट के समूह में है सर्वाइव नहीं दिखता है, बड़ा बादल सरकार का समूह अभी इंडिया में सर्वाइव नहीं दिखता है, हु इज द नेक्स्ट शताब्दी ग्रुप। हाँ वो विचार जरूर एग्जिस्ट है, वो हम लोगों के प्रेरणा स्रोत है और हम लोगों के लिए वो विचार जो है हल्का काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, पर ये चुनौती है। ये एक सहज प्रश्न है और वो इसलिए उठ रहा है कि आपके पास अनुभव है बहुत पुराने लंबी यात्रा का इस सब के साथ। एक सहज प्रश्न उठता है कि पिछले अगर हम 50 साल पीछे चले तो अभिव्यक्ति की जो धाराएं हैं, जैसे लेखन है, जैसे कविता है, जैसे गीत है, संगीत है, इन सारे प्रभावों ने अपने अपने फॉर्मेट बदले हैं। संगीत भी बदला, लेखन शैलियों में भी बहुत सारे फॉर्मेट्स आ गए, कविता में भी आ गए, कहानियों में भी आ गए, मैजिकल रियलिज्म दिखता है बहुत ज़्यादा, और थिएटर बहुत बड़ी जगह है जो सीधा संवाद कर लेती है। क्या इसमें भी आप देखते हैं कोई बदलाव या ऐसे चीज़? नहीं, ये भीषण बदलाव है, वो बताइए। बहुत और जबरदस्त बदलाव और मजेदार एक बात है। मैंने मतलब रंगमंच से ही ये पता चला है कि समाज बदलता जाएगा, रंगमंच बदलता जाएगा। अगर रंगमंच ने समाज को बहुत ज़्यादा बदल दिया तो वो रंगमंच एक उपलब्धि की इस तरह देख सकते हैं। बहुत अच्छा। पर समाज जिस तरह से बदला है उस तरह से नाटकों के कथानक बदले हैं, नाटकों की शैलियाँ बदली हैं, नाटकों के निर्देशक जो रहे हैं उनकी खोजबीन के तौर तरीक़े बदले हैं, अभिनेताओं के शिक्षण प्रशिक्षण के तौर तरीक़े बदले हैं। मजेदार एक और बात है कि नाटक जो है तथा कथित जो मंच का दायरा है उसके बाहर भी निकल गए, उसके बाहर निकल ये, के ये बड़ी बात है, बड़ी जनता के बीच आना, जनता के बीच आना। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले नुक्कड़ नाटक का जिक्र किया, काफी मतलब वो स्पेस का मोहताज नहीं रहा, ना ना ना, दर्शकों का मोहताज वो हमेशा बना रहेगा कि उसके बिना संभव नहीं है। नुक्कड़ नाटक में कई सुविधाएं थी जो आपने कही अभी कि वो किसी क्लासिफाइड दर्शक का मोहताज नहीं है, उसके अप्रोच आम चलते आदमी तक है, वो भी ठहर के देख लेता है और कुछ अगर उसके साथ जुड़ गया तो वो अपने साथ लेके जाता है। हाँ, क्योंकि वो कौन से स्टेज है,
मैं एक बात कहूंगा सर कि एक मजेदार वाक्य है, पर उस वाक्य को नहीं लेकिन उसके एक अंश को जरूर मैं रखूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माताजी कभी स्कूल नहीं गई, पर मैंने उनसे सीखा है कि परिश्रम का महत्व क्या होता है जीवन में, कि परिश्रम का महत्व और उसकी गरिमा आपके हाथ में होती है, ये सीखा है मैंने उनसे। खैर, मेरी माताजी को पता है कि उनके पॉकेट में 2 रुपए हैं, उदाहरण दे रहा हूँ मैं, और वो बाजार आलू खरीदने जाती हैं, तो उनको पता है कि मुझे कौन सा आलू तो नहीं लेना है और कौन सा लेना है। दिस इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो मुझे लगता है इस वाले मायने में कि हर आदमी को कम से कम उसकी अपनी स्थिति में एक कॉन्शियसनेस का भान तो होता है। तो फैब्रिकेटेड दर्शक हो या वो नॉन फैब्रिकेटेड दर्शक हो, कैसा भी दर्शक हो, पर वो ये चिन्हित कर लेता है कि मुझको इस नाटक में क्या समझना है या क्या कहना है। हाँ, ये एक अलग बात है कि वो कहता है बाद में या नहीं कहता, नहीं कहता है, बाकी उसको उसको जिस चीज को उसको ग्रहण करना है वो ग्रहण कर लेता है। ये सीधी अप्रोच को है। एक और उसमें बात बस मैं जोड़ना चाहूंगा, कलाओं खासकर रंगमंच के बदलाव को लेकर जब बात हो रही है, तो रंगमंच इतना तो बदला ही है कि वो लोगों के, मान लीजिए, छोटे से ड्राइंग रूम जैसे स्पेस में, बरामदे जैसे स्पेस में भी पहुंच गया है ना। इसी तरह ही देखेंगे कि रंगमंच का और पूरा नाट्य कला का जो पूरा परिदृश्य है या उसकी जो पूरी क्षमता है, उसकी जो पोटेंशियलिटी है, वो शिक्षा में भी शामिल हो रही है। और नई शिक्षा नीति से पहले भी तमाम जो समितियां रही हैं उन्होंने पुरजोर रूप से सिफारिश की है नाट्य कलाओं को लेकर, कि वो नाट्य कला सब बहुत बहुत सशक्त विधा है और उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। दूसरी कलाएं तो जो है जो अलग अलग तरीकों से प्रभावित करती है, सामूहिक भी पड़ता है, सामूहिक पड़ता है सीधा प्रभाव। जैसे अपन देख रहे हैं तो मुझे कोई बात अगर छू गई तो अपन ये इमीडिएट इफेक्ट होता है और काउंटर करते हैं अपन। कोई चीज पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे, उसके बाद मैं मनु शर्मा जी से आपसे कहूँगा भाई मैंने ये पढ़ा था आप भी पढ़ना, मतलब वहाँ एक जर्नी लंबी है। लेकिन नाटक देखते हुए दर्शक तुरंत संवाद के लिए मजबूर होता है। हाँ, यानी कि वो अनुभूति और अभिव्यक्ति तुरंत होती है, अनुभूति और अभिव्यक्ति का जो तालमेल है वो नाटक के अंदर नाटक दिखता है दर्शकों में। और शायद यही हम लोगों ने बतौर इंसान जिस तरह से हम या हमारा मस्तिष्क का जिस तरह से विकास हुआ है उसमें अनुभूति और उसकी अभिव्यक्ति, इसकी लालसा जो है डेवलप होती ही गई है, तभी हम जंगल से मंगल तक पहुंच पाए। सही कह रहे हैं। राजस्थान में जो संस्थाएं हैं जो आपको स्पेस देती हैं, तथा कथित रूप से आपका धनंद मंच है या JKK है या और कई छोटे मोटे क्षेत्रों में या संगीत नाटक अकादमी है, जमीनी स्थिति क्या महसूस करते हैं? देखिए, एक तो जिस तरह के संस्थान हैं ये निश्चय ही ये अपने आप में कुछ संस्थान ऑटोनोमस बॉडीज हैं ना। और जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा था रंगमंच के संदर्भ में कि समाज बदलता है तो रंगमंच बदलता है, बिल्कुल ना। तो जब भी कोई व्यवस्था बदलती है तो संस्थानों के ढांचों में भी कुछ प्रभाव तो दिखता ही है। कभी वो प्रभाव 19% दिखता है, कभी वो प्रभाव जो है 20% दिखता है, पर प्रभाव मौजूद होता है। प्रभाव के मेरे अपने मायने जो है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मेरे जो मायने समझ में आते हैं 19 और 20 जब मैं कह रहा हूँ, तो हो सकता है कि कोई रंगमंच को या कलाओं को ज़रा ज़्यादा स्पेस देने वाला व्यवस्था है, ठीक बात। हो सकता है कोई व्यवस्था जो है वो 20% की जगह वो 15% ही दे रहा है। इससे कुछ अलग सवाल जरूर उत्पन्न होते हैं कि कोई व्यवस्था जो है आखिर स्थान कम क्यों दे रही है। वहां से हम लोकतंत्र और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति के जरियों पर उभरते हुए सवालों पर बातचीत भले ही कर सकते हैं, पक्ष उठता है पर ये सवाल
काफी जायज सवाल है और ये मंथन के लिए बहुत जरूरी मंथन रत होने तो वाले वो तो क्या है कि देखिए हम ये उम्मीद करें कि 20 से हम 21 हुए 22 हुए हमें अभिव्यक्ति के नाम पर लोकतंत्र की व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ स्पेस मिले पर इसमें वो स्पेस सिमटता दिखता है तो बहुत तकलीफ हो। सही है इसमें एक मैं रोना ही कहूंगा मतलब एक आर्तनाद की तरह मैं कहना चाहूंगा इसको कि तमाम जो मंच हैं जहां पर नाट्य प्रस्तुतियां होती हैं निश्चय ही जो भी व्यवस्था है वहां जो भी समिति है मैं समिति को तो कुछ बात नहीं कह रहा हूं पर मैं ये बात जरूर कंसर्न के रूप में रख रहा हूं कि बहुत सारे नाटक ऐसे हैं जिसमें कुछ लोग लाइट लगाते हैं कॉस्ट्यूम लगाते हैं तरह तरह की तैयारियां होती हैं उसमें। अब मान लीजिए कुछ नियम ही ऐसे बनाए कि 6 बजे की नाट्य प्रस्तुति है तो आपको ऑडिटोरियम 3 बजे मिलेगा ये पूरी तरह से अवैज्ञानिक व्यवस्था है। सही है बिल्कुल कैसे कर पाएगा 3 घंटे के अंदर कैसे आप जो है सारी व्यवस्था कर पाएगी। कुछ नाटक ऐसे हैं कि ठीक है 3 घंटे में कुछ कर सकता है कुछ ऐसे भी हैं कि उनको 3 घंटे तो ज्यादा होते हैं उनके लिए 3 घंटे भी ज्यादा होते हैं किसी के लिए वो बहुत ही भीषण प्रचंड हो जाता है वो। तो जरा कुछ हम क्या क्या कर सकते हैं मैं क्या किसी को समय दे सकता हूँ या मेरी व्यवस्था जो है किसी नाटक मंडली को 4 घंटे की जगह 7 घंटा मुहैया करा सकती है प्रयास क्या है इसलिए मैं इसको आर्तनाद जैसे शब्द से बांध के रख रहा था कि संस्थाओं को सोचना चाहिए कि समय दें वो प्रस्तुतियों के लिए या इस तरह के लिए अवसर खोलें और कम से कम क्या है कि नाटक का जो है ना नाटक की जो थीम है उस थीम को ध्यान में रखकर तो व्यवस्था हो की जा सके। हाँ कोई नियम भी नहीं हो तो पर उस नाटक के ढांचे के अनुसार समय में मुहैया कराया जा सकता है उस नाटक की क्या जो है ना मांग है। दूसरी एक बात बहुत अच्छी जो प्रभावित करती रही मुझे आपके टॉक में भी आपके पिछले 4-5 साल के सफर में और जो जो निरंतर परिवर्तन हम देखते महसूस करते रहे कि रंगमंच में जब बच्चे काम कर रहे हैं अपने अपने पात्र निभा रहे हैं तो सुविधाएं तो बहुत कम थी हमें भी पता है लेकिन चीजों को डायनेमिक रूप से देखने का और उनका उपयोग करने का जिसे आप प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं वो उपयोग करने का सलीका मैं तो ये कहूँगा पुनर्कहिए उसे कि ऐसी चीजें जिनको हम कहीं ज्यादा जीवन में अर्थवत्ता नहीं महसूस करते अब चाहे वो बुझी हुई लालटेन हो या साइकिल का पहिया हो या टायर हो या फिर एक प्ले था जिसमें मैंने देखा था कि एक पात्र जो है 2 रंग के जूते पहने हुए एक लाल है एक दूसरे रंग जब वो चलता है मंच पर तो यही तो इस तरह का विजन आपने तो अपनी सोच से किया लेकिन बच्चों ने भी उसको एकता से उसे महसूस किया देखा उसे सीखा। इस बारे में कुछ उदाहरण देने के बाद बताओ ये मनोरंजन के क्षेत्र का उदाहरण है मनु सर इस पे ज्यादा विस्तार से रख पाएंगे पर छोटी उस क्षेत्र के अंदर आपने उन चीजों का उपयोग किया है और बच्चों ने सीखा हमने देखा है तो आप जो है उसके ऊपर छोटी छोटी चीजों को देखा है हमने काम में लेते हुए तो ये सब करते हुए आपकी क्या दृष्टि रही क्या दृष्टि रही कैसे आप वहाँ तक पहुँचे उनका उपयोग कैसे आपने उसके अंदर जो बात और उसके माध्यम से आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते कैसे कम्युनिकेट करने में सफल हो गए क्या गुरुत्वता थी इस चरित्र में वो एक्सपोजर मिल गया उस प्रॉपर्टी से वो थोड़ा सा तो मैं इस बात को 2 रास्तों से कहना चाहूँगा और दोनों रास्ते बिल्कुल अलग हैं पर वो कहीं चौराहों पे जाके मिल जाते हैं। ठीक है तो खैर जो पहला एक रास्ता है तो यहाँ से एक आरंभ हो सकता है कि भाई कथानक क्या है कथानक में उस पात्र की क्या भूमिका है सही उस पात्र का क्या मिजाज है
उस पात्र के क्या संकट है, वो पात्र आखिर कर क्या रहा है। तो कुछ इस तरह की चीजें हैं जो उस पात्र के आसपास की वस्तुओं को बुनने में मदद कर रही होती हैं। और दूसरा जो रास्ता है वो विजुअल आर्ट की दिशा से निकल कर आता है कि जगत में जो मौजूद है, जो हमारे आसपास जो मौजूद वस्तु है, वो अपने आप में उस वो क्या कह रही है, क्या अनुभूति मैं कर रहा हूँ उसको लेकर, क्या अनुभूत हो रहा है मुझे, वो जिस समय मौजूद है, जिस स्पेस में मौजूद है, वो क्या महसूस हो रहा है। तो एक ये रास्ता है कि ऑब्जेक्ट अपने आप में जब किरदार बन जाए, यही तो है बात जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ही अपने आप में एक किरदार बन जाए, और ये पूरा दोनों रास्ते जो हैं वो जाके टिक जाते हैं कि नाटक का या उस कला की अभिव्यक्ति का मकसद क्या है, किस दिशा में हो रही है और क्यों हो रही है, जैसे तो वो स्वरूप गढ़ लेती है। जैसे पत्थर रख दिया आपने, तो एक तरफ तो वो पत्थर ही है, दूसरी तरफ वो रंगमंच के किसी रास्ते में पड़ा है। अब वो पत्थर अपने पत्थर होने की जो उसकी अपने करेक्टर्स हैं अलग अलग डायमेंशन के साथ, वो उस पात्र के संग आप जोड़ने में एक मीनिंग दिखाते, मीनिंग बना बनाने में। तो ये जो आपने बच्चों को सिखाया, मैं उस पर बात, हाँ इसी पर वो शायद कालिदास जी का कथन है कहीं पर कि प्रकृति रात बनाती है और कलाकार दीप। क्या बात है, वाह। और यही बात, भाई वो जो कलाकार है, वो कलाकार उस रात का जो अंधेरा है, उस रात के अंधेरे को दूर करने का जो है रास्ता खोजता है कि वो अंधेरा कैसे दूर है। दीपक रास्ता ही, दीपक जो है तो वो अंधेरे को ही दूर करता है। और दीप के सारे तत्व इस प्रकृति में ही मौजूद है, बिल्कुल वो भी प्रकृति का हिस्सा है, वो भी प्रकृति का, अंधेरा भी प्रकृति का हिस्सा है, वो दीपक भी प्रकृति का हिस्सा है। पर उसको जो अर्थ दिया, उसको जो ये आपका विजन सजाया है, ये आपका विजन है, दृष्टि बोध है जिसको आप काम में लेते हैं। ये काफी मजेदार पहलू है असल में रंगमंच में। एक और भी रंगमंच काफी पूरा लंबा उसका इतिहास रहा है, ऑब्जेक्ट थिएटर जी। तो ऑब्जेक्ट थिएटर अपने आप में एक पूरा एक डोमेन है, तो काफी इंटरेस्टिंग है वैसे। और मेरा रंगमंच जो है वो पेंट, शुरुआती दिनों में पेंटिंग्स में मैं ज्यादा पेंटिंग्स को ज्यादा तवज्जो देता हूँ कि जैसे लिखने के लिए बोलते हैं कि लिखना बड़ा जरूरी है, साइकिल चलाने के लिए साइकिल चलाते रहना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मुझे लगता है कि कल्पना करने के लिए, कल्पना करने के अभ्यास में जुटे रहना बड़ा जरूरी है। वो रियाज जो है, वो रियाज जो है वो होता रहना। अच्छा, वो हर कला के ऊपर लागू होता है, वो रंगमंच के ऊपर भी लागू होता है, वो संगीत में भी लागू होता है, वो पेंटिंग्स में भी लागू होता है, वो कविता में भी लागू होता है, वो सतत चेतना वो जगह रखने के लिए जरूरी है। नहीं, और उससे निखार आता है, निखार आता है, और साथ ही साथ क्या है कि उसके जो नए नए जो डायमेंशंस है, वो नए नए डायमेंशंस आपके सामने आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वाली बात, एग्जैक्टली वो इसीलिए तो कलाकार जो है प्रदीप बना रहा है कि वो डायमेंशंस क्या है उस प्रदीप के, बहुत खूबसूरती है। भाई आप पिकासो की पिकासो के द्वारा बनाया हुआ एक चेहरा और एक हूबहू एक पोर्ट्रेट बनाया हुआ, दोनों में तफात है, बहुत 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 फर्क है, बहुत ना। आप वो लाइंस पोर्ट्रेट में भी हैं, वही लाइंस पिकासो के पास, लेकिन वहाँ चेहरे पे जो लाइंस हैं, हाँ वही तो डायमेंशनल, वो जो डायमेंशन जो है, और किस समय में मैं कौन सा डायमेंशन दे रहा हूँ, इसमें समाज पूरी तरह से उत्तरदायी है, समाज उत्तरदायी है। इसके साथ साथ क्या है कि वो जो टाइम है, वो समय भी। तो आज बहुत अच्छी वार्ता रही, लेकिन मैं इसको विराम देना नहीं चाहूंगा, मुझे इसकी अगली कड़ी जो है, अगली कड़ी जल्दी ही हम आगे करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये प्रशंसनीय अनौपचारिक वातावरण में अपन जरूर 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 बहुत अच्छा लगा।